गृह विभाग के अलग अलग विंग्स हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं उनकी अलग अलग समीक्षा करके उनको नया रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके तहत आज CID विभाग के सभी ईडी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लिया। CID के कार्य प्रणाली और उसमें क्या संशोधन किया जाए, क्राइम का पहले CID को पेंडिंग प्रकरण करना है तो भेज दो ऐसा माना जाता था। मैंने अधिकारियों से कहा है कि CBI को प्रकरण दिया जाता है, उनके काम करने के तौर तरीके हैं, और मन में एक बात आता है अपराधियों के कि ये CBI को दिया गया, हमारा CID CBI पैटर्न पे काम करे। वो तैयारियां हम अपने अधिकारियों से करवा रहे हैं और छांट करके जितने ज़रूरत होगा अधिकारियों को उसमें अटैच करके, और CID को बहुत ज़्यादा पावरफुल, सारे क्राइम्स की तत्काल जाँच हुए यहाँ छत्तीसगढ़ में, उस दिशा में कर रहे हैं। पेंडिंग प्रकरणों की भी समीक्षा हुई है और भी अन्यान्य काफ़ी हुई है। शाम को हमारा पुलिस विभाग से ब्रीफिंग मिल जाएगा पूरा डिटेल आपको, और उनको ये भी कहा गया है कि हर दिन ब्रीफिंग हो गृह विभाग की, जो काम हम करते हैं वो जनता के सामने जाता है। माइनस पॉइंट जरूर जाता है जबकि हमारी मंशा ऐसा नहीं है, तो डेली ब्रीफिंग करने के लिए उनको निर्देशित किया। क्या आपको लगता है कि पिछली सरकार ने CID का दुरुपयोग किया है? बहुत सारे मामले सौंप दिए गए, गंभीर मामले, उनकी जांच अभी तक नहीं की जा रही है, ऐसा लगता है क्या? मैं किसी मामले में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस दिशा में मैं कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है, जिस तरह से खुफिया विभाग काम कर रहा है और यहाँ पर सिमी जैसे आतंकी छुप जाते हैं बाकायदा, यहाँ पर उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, इस तरह से क्या लगता है खुफिया विभाग कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुआ है? कोई कमजोर नहीं है, पर आज जो मीटिंग हुए उसके तहत नए सिरे से हर चीज की समीक्षा हो चुकी है, लगातार मैं कर रहा हूँ और नए सिरे से वो सारी बातें आ जाएंगी। हमारा इंटेलिजेंस भी अलग तरीके से उसको मजबूत कर, उसे पूछताछ की गई है, इंडियन मुजाहिदीन से भी उसके ताल्लुकात निकल के आए, कितने बड़े आतंकी संगठन यहाँ पर अपनी पनाहगाह बना लेते हैं, बावजूद उसके पता नहीं चल पाता है। अब धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा पता, क्योंकि सिस्टम हम बदल रहे हैं, अब इसको ज्यादा डिक्लेयर तो नहीं कर पाऊंगा, इंटेलिजेंस का मामला है। विपक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ जो है अपराधगढ़ बन गया, इस पर क्या बोलना? वो अपना 15 साल याद कर रहे हैं, इन 9 महीने में उनके आंकड़े और हमारे आंकड़े वो उनके पास अगर है तो वो करके देख ले, चाहे वो नक्सली मूवमेंट हो, चाहे क्राइम हो, चाहे अपराध, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार हो, किसी में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है, और आने वाले 1-2 महीने में और इनमें जबरदस्त तरीके से कमी आ जाएगी। एक्सप्रेस वे को जांच कहां तक पहुंचेगी? मेरे पास अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आया है, जब रिपोर्ट आएगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्दी आ जाएगा। ये नमकीन रंग कवर भी कल एक बयान आया है, नार्को की बात करें तो उन्होंने कहा वासी शर्मा कैसे वहाँ पे, देखिए जांच एजेंसी कोई जब हो जाता है तो इसके विषय में मुझे कोई कमेंट्स नहीं करनी है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है और पूरी उनकी स्वतंत्रता दी जा रही है, उनको जो एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत होगी तो इसके लिए भी हम लोग कोई करेंगे। भैया एक चीज है, अभी CM साहब लेटर लिखे है नितिन गडकरी ला, NH जो है सड़क का हालत बहुत खराब हो चुकी है, मरम्मत पर लिखे है, क्या कहना है? क्या निश्चित तौर पे NHAI NH का जो काम है उसमें काफ़ी गिरावट जैसा छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, और अभी मैं जैसे ही ये होगा 2-3 दिन में हमारा चित्रकूट चुनाव, उसके बाद मैं स्वयं पूरे सड़कों में निकलने वाला हूँ, पूरे प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दे चुका हूँ, मेरे साथ OSD जो सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे, EMC रहेंगे, चीफ इंजीनियर, पर्यटन का अधिकारी, और जसपुर सरगुजा से शुरू करके बाई रोड मैं पूरा प्रदेश निकलूंगा, जो मरम्मत के लिए आदेश अभी दिए हैं सड़कों के पूरे प्रदेश के, उनका काम भी देखूंगा। अभी PWD भी बुलाया हूँ, 11 वहाँ भी पहुँचूंगी, 11 बजे से उनका है, वहाँ जा रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, AC चीफ इंजीनियर और ACS सबको बुलाया हूँ, उनकी भी अभी समीक्षा करके कार्य सारे आदेश।